मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, एक युवा अवस्था है आपकी, 35 ईयर्स ओल्ड हैं आप सिर्फ, और एक बड़ी जवाबदारी। बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का उसके लिए धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने भरोसा देताया है, और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इस योग्य समझा गया। लक्ष्मी के कदम पड़ते ही भोपाल, इंदौर, महू को अवार्ड मिल गया। जी, ये भी एक सौभाग्य है। इंदौर तो वैसे ही स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 बार से ये 7वीं बार लगातार नंबर 1 है, लेकिन इस बार बड़ी उपलब्धि रही कि भोपाल भी 5वें स्थान पर रहा, और ओवरऑल कहा जाए तो MP 2रे स्थान पर आया। तो हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वच्छता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसको आगे चल के और बढ़ाना है। तो हमारे लगभग चाहते हैं कि राज्य के सभी बड़े केंद्र तो पहले सम्मिलित हो, फिर छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों तक भी हम स्वच्छता को पहुंचा सके और उनको नंबर 1 ला सके। मैम, नगरीय प्रशासन विभाग मिला, तय बात है कि मकान से लेके दुकान तक, सड़क तक, नालियों तक, सब दूर सफाई की बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदारी है, लेकिन ये जवाबदारी के लिए लोगों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति के बीड़ा उठा लेने से ये संभव नहीं है, अपितु इसके लिए हमको डोर टू डोर या दुकान दुकान में संपर्क करके उनको इससे जोड़ना पड़ेगा, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। तो अब हमारा अगला प्रयास रहेगा कि इसके लिए हम कनेक्टिविटी बना पाए। महिला है आप, तय बात है घर भी संभालना पड़ता है, अब विभाग भी संभालना पड़ेगा, कैसे सामंजस्य बिठा रही है? देखिए, मैं तो नहीं मानती कि महिला से अच्छा मैनेजमेंट कोई करता है। चाहे अब महिला के कामों की बात करें तो पुरुष के ऑफिस भेजने से लेकर बच्चों के स्कूल तक, घर के आए हुए गेस्ट से अटेंडिंग से लेकर घर परिवार की देखरेख तक और घर परिवार के निमंत्रण तक सारा कुछ मैनेजमेंट महिलाएं करती हैं। इसी तरह उसको मैनेज करते करते बाहर के कामों को मैनेजमेंट करना, विभाग के कामों को मैनेजमेंट करना, ये हम लोग कर लेंगे। पहली बार के विधायक हैं, मंत्री पद भी मिल गया, राजनीतिक परिवार से भी आती हैं, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है पूरी, लेकिन जवाबदारी बड़ी है। जवाबदारी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है, और उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करें यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या करना चाहेंगी सबसे पहले आपके विभाग में काम? देखिए, डेवलपमेंट हमारे सिटीज का हो रहा है, और वो हर एक छोटे से छोटे टाउन तक पहुंच जाए, वो डेवलप्ड हो जाए। स्मार्ट सिटी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, वो स्मार्ट सिटी एक्चुअल में स्मार्ट सिटीज हो जाए, इसकी ओर अग्रसर है। साथ में कुछ बेसिक डेवलपमेंट प्लान्स के साथ भी आएंगे, जिसका एग्जीक्यूशन हम लोग का मेन मोटो रहेगा। और साथ में हमको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के सानिध्य में काम करने का, तो निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में चलते हुए बहुत से बड़े बड़े कामों का हो सकता है सीखने को मिले, और हो सकता है करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। आपकी विधानसभा को क्या मिलने वाला है, पहली बार की विधायक हैं आप? जी, विधानसभा में हमारी डेवलपमेंट्स की सीरीज चालू हुई है, और उन्हीं सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए उसको डेवलप्ड विधानसभा बनाना है। डेवलपमेंट की सीरीज चालू हुई है, पहली बार किसी मंत्री ने बोला कि सीरीज चालू कर दी, मतलब ये कि विकास के बाद विकास और होते जाएंगे। तय बात है कि विधानसभा क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश भी प्रतिमा बागरी के लिए एक बड़ा मैदान है, जिसपे उन्हें लगातार 5 साल स्पीच पर खेलना है और प्रदेश को विकास की ओर लेकर जाना है। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनय श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।